हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है आलू के चटपटे कोफ्ते। ये कोफ्ते बहुत ही टेस्टी बनते हैं। जब भी आपको कुछ खाने का मन हो तो आप ये रेसिपी बना सकते हैं। बारिश के दिनों में ये कोफ्ते बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। आलू के कोफ्ते बनाने के लिए हमने ये तीन आलू लिए जिन्हें हमने धोकर उबाल लिया है और इन्हें 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख लिया था। अब हम आलू को तोड़ेंगे। हम इसे बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे। हमने सभी आलू को तोड़ लिया है। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। ये हमने 2 हरी मिर्ची ली है, कटा हुआ हरा धनिया, कटे हुए प्याज, ये हमने 2 कटे हुए प्याज लिए। प्याज को हमने बारीक काट लिया है। 1/2 चम्मच हमने कुटी हुई सौंफ ली है जिसे हमने दरदरा कूट लिया है, और 1/2 चम्मच ही साबुत धनिया लिया है जिसे इसे भी हमने आधा कूट लिया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, जरा सा सूखा पुदीना, 1/2 चम्मच गरम मसाला, जरा सी हींग और जरा सा चाट मसाला। सभी को हम हाथों से मिक्स कर लेंगे। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को हमने आलू में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। इस तरह से हम सभी गोली बनाकर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हमने सभी गोलियां बनाकर तैयार कर ली है। अब हम कोफ्ते के लिए बेसन का घोल तैयार करेंगे। इसके लिए हमने 1 कटोरी बेसन लिया है। इसमें जरा सी हींग डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक, जरा सी लाल मिर्ची। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका बैटर तैयार करेंगे। कोफ्ते बनाने के लिए हम मीडियम बैटर तैयार करेंगे, ना ज्यादा पतला और ना ही ज्यादा गाढ़ा। हमारा बैटर बनकर तैयार है। कोफ्ते के लिए हमें इसी तरह का बैटर चाहिए। अब मैं आपको चम्मच में लेकर बताऊंगी हमें इसी तरह का बैटर तैयार करना है। इसके लिए हम पतला बैटर नहीं बनाएंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि बेसन हमारा अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट हो गए, अब हम बेसन को देख लेते हैं। बैटर हमारा अच्छे से फूल चुका है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। गैस ऑन करके हमने तेल गरम कर लिया है। अब हम बेसन के घोल में मसाले की 2-3 गोली डाल देंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। कोफ्तों को हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि कोफ्ते हमारे अंदर तक अच्छे से सिक जाए। अब हम इन्हें पलट देंगे। कोफ्तों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। हम बाकी कोफ्ते भी इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे।
हमने सभी कोफ्तों को फ्राई कर लिया है। हमने सभी कोफ्तों को बनाकर तैयार कर लिया है। गर्मा गर्म आलू के चटपटे कोफ्ते बनकर तैयार है। आप इसे सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, चाय के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।